तो अभी बड़ी खबर यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। मुनिस इलाही को वफाकी काबीना में शामिल न करने का मामला मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब हुकूमत से आदम तआवुन का इंदिया दे दिया है। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और नईम उल हक की मुलाकात में फार्मूला तय किया गया था, लेकिन इस फार्मूले पर अभी तक कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा, जिसके पेश नज़र हुकूमती इत्तेहाद में एक मरतबा फिर से दरारें पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। वादा ये किया गया था कि मुनिस इलाही को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई अमली इकदाम सामने नहीं आ सके। बिल्कुल, आपको अपडेट करें, हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ने का खदशा है। मुनिस इलाही को वफाकी काबीना में शामिल न करने का मामला मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब हुकूमत से अदम तावुन का इंदिया भी दे दिया है। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात और नईमुल हक की मुलाकात में फार्मूला तय किया गया था। मुनिस इलाही को वफाकी काबीना में शामिल न करने का मामला है ये, जिसमें काफ लीग ने पंजाब हुकूमत से अदम तावुन का इंदिया दे दिया है। तयशुदा फार्मूले के तहत मुनिस इलाही को काबीना में शामिल नहीं किया गया, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इखलाक बाजवा से। जी इखलाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ठीक है, अखलाक बाजवा से भी इस हवाले से अपडेट्स लेंगे, लेकिन ये हुकूमत के लिए गंभीर सूरत हाल की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अगर ये दरारें पड़ती हैं तो इस हवाले से क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और हुकूमत क्या बैकफुट पे आएगी जिस तरह इससे पहले आई, ये देखना होगा।